हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करूंगी आप सभी ठीक होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और माला के दुनिया यूट्यूब चैनल में आप प्यारे दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं शावर वगैरह लेने के बाद ही चूल्हे का जो है लिपाई कर रही हूँ। कारण ये है कि हम लोग छत पे सोए हुए थे और शबनम जो है बहुत ज़्यादा रात में गिरी थी, तो सोचे कि पहले जल्दी नहा लेते हैं, नहीं तो तबीयत खराब होने का चांस रहता है उसमें। और यहाँ पे नहा धोने के बाद ही मैं जब झाड़ू वगैरह लगाई थी, उसके बाद लिपाई किए इसका चूल्हा का। और जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, रोज का हम लोग का जो है बिहार लाइफ में, बिहारी स्टाइल में या बिहार साइड जो है हम लोग चूल्हा का, तो चूल्हा का जो है ना लिपाई तो करते ही है, क्योंकि वैसे खाना नहीं बनता है। यहाँ पे लिपाई कर देते हैं, उसके बाद आगे आप सभी बने रहिएगा वीडियो में फ्रेंड्स। अभी जो भी चीज मैं करूंगी ना आप सभी के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे जैसे कि मैं ये सब हो जाता है लिपाई करके, और ये इसका जो मिट्टी बचा हुआ रहता है तो वहाँ पे साइड में मतना का जो साइड होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा अभी जो है ना मिट्टी नीचे चले गया था, तो सारा मिट्टी निकाल के मैं वहां पे लगा दे रही हूँ। और आजकल तो इतना गड़बड़ हो रहा है, कुछ ही चीज में ध्यान दे नहीं पा रही हूँ। एक तो पहले मुझे राखी बंधन का काम था, उसके वजह से भी नहीं हो रहा था। उसके बाद जो है अभी फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो नहीं जा रहा है कंटिन्यू, क्योंकि कारण क्या है आप सभी आगे वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे जो भी मेरा रात का बर्तन था सो मैं लेके जा रही हूँ साफ करने के लिए। यहाँ पे मैं सभी कुछ करने के बाद, चूल्हा वगैरह पोताई करने के बाद सिंदूर बिंदी किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। तो आपको जैसे कि बताए फ्रेंड्स कि आज हम नहा के ही सब कुछ किए हैं, साफ सफाई हुआ, चूल्हा का लिपाई वगैरह सब, उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करने लगी। और पूजा हो जाता है जैसे कि, तो आप लोगों को पता है राखी बंधन में मेरी ननन आए हुए है, उनकी बेबी आए हुए है, तो मैं यहाँ पे कपड़ा चेंज कर लिए थे क्योंकि बेबी जो है ना शो कर दिए थे मेरे नाइटी पे, इसके वजह से मैं दूसरा कपड़ा लगा लिया, दूसरा गाउन। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज जो है ये अरवा पान, बड़े बड़े होता है हमारे घर में उसका साग। और यहाँ पे हमारा सेंटिंग का काम चालू है, तो इसी वजह से हम लोग कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। हस्बैंड जी भी व्यस्त रहते हैं, हम भी इधर के कामों में, घर के कामों में, हस्बैंड जी जो उन लोगों को, लेबर लोग को जो चाहिए। और अभी जो है यहाँ पे छर हमारा रखा हुआ है, सॉरी गिट्टी रखा हुआ है, तो गिट्टी को साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि उसमें पत्ता वगैरह जो है ना बहुत सारा गिर गया है, तो उसी को जो है साफ करने के लिए लगे हैं हस्बैंड जी। और मैं यहाँ पे खाना पका रही थी, तो यही सब के वजह से फ्रेंड्स हम लोग जो है ना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन जैसे ही हम लोग का ये सब हो जाता है ना, तो हम लोग अपलोड करेंगे डेली। और ये सब करते करते कब टाइम रात में बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। और सुबह से लेकर अभी जो है ये मॉर्निंग का 6 बजे का ये रहता है हम लोग का, और 6 बजे से ही देखिए हमारे हस्बैंड सब कुछ को साफ सफाई यहाँ पे कर दे, बोले नहाने से पहले मैं कर देता हूँ और उसके बाद नहाने जाऊँगा। तो ये सब चालू है, हस्बैंड जी को भी नहीं टाइम मिल रहा है, मुझे भी नहीं टाइम मिल रहा है, तो इसी कारण की वजह से डेली जो है ना वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो ये सब जो हमारा रात बनाए हुए थे ना पर्दा, तो वो सब जो है ना पूरा अभी जो है ना खराब हो चुका है, तो यहाँ पे ये सब को निकाल दे रहे हैं। उसके बाद आपको हम दिखा दे रहे हैं, पूरा हरा भरा हमारा बगीचा दिखता है। और यहाँ पे देखिए कितना सारा पत्ता गिरा हुआ है, तो सभी को साफ करना है। मिस्त्री तो क्या आएंगे तो वो ऐसे भी लगा देंगे, लेकिन हम लोग को घर तो हम लोग बना रहे हैं ना, तो हम लोग को ही साफ सफाई करके ये सब क्लीन करके देना होता है, वही चीज में लगे रहते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए कितना सारा पत्ता जो है ना गिर गया है, पूरा गल गया है पत्ता कुछ कुछ। और यहाँ पे पिक्चा का पत्ता वगैरह जो होता है अलती का, वो सब यहाँ पे
ये जो है ना 7 कलारी गिट्टी है पूरे जगह में फैले हुए है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी जो है जल्दी जल्दी में साफ कर रहे हैं, और मैं जो है थोड़ा सा सोचे कि वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि लोग अपलोड नहीं कर पा रहे वीडियो रोज का। तो ये था हल्दी का पौधा जो अपने आप ही लग गया था, उसके बाद इसको निकाल दिए, बाकी जगह में लगा हुआ है। यहाँ पे जो है ना मनी प्लांट जो लगा हुआ है हमारे बारी में, तो वो सब फैल गया था इस पे, और आम का जो पौधा आता है छोटे छोटे वो भी हो गया था, तो उसको भी निकाल दिए हस्बैंड जी। और आप देख के ही आप लोग को पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कि हम लोग कितना अभी व्यस्त रहते हैं, इसी कारण के वजह से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। और सभी कुछ को अभी निकाल दिए थे, साफ कर दिए थे, तो जो भी ये जो है ना जलावन में काम आएगा, तो हस्बैंड जी बोले कि यहीं पे सूखता रहेगा, जो भी पानी से गीला हुआ हुआ है, तो इसको सबको रख दे रहे हैं और साथ साथ में ही ये सब कर देते। मैं तो नहा लिए थे सुबह सुबह, और हस्बैंड जी ये सब करने के बाद ही नहाने वाले थे, तो सभी कुछ को साफ कर दिए। तो ये सब जैसे साफ होता है तो हमारे जो सेंटिंग वाले श्री का जो ये बनेगा ना फाउंडेशन, वो मिस्त्री भी आ जाते हैं यहाँ पे, आप लोग को हम दिखाते हैं, उसका भी हम वीडियो शेयर किए हैं आप सभी के साथ। ये सब साफ कर ही रहे थे, तो उस छत पे जो जाएंगे हम लोग, तो उसका सीढ़ी बनने वाला है, तो मिस्त्री भी देखिए यहाँ पे आ गए हैं, वो भी अपने हस्बैंड जी से बातचीत करने लगे थे। और यहीं से जाएगा, यहीं से ये जो खिड़की आप दिख रहे हैं, तो इसी को तोड़ के जो है ना उस छत पे जाएगा हमारा सीढ़ी। तो यही सब बता रहे थे, यही सब करने का। तो यहाँ का जितना भी कपड़ा हम लोग रखते थे बारिश में सुखाते थे, या ऐसे भी हम रख देते थे यहाँ पे, तो सब कुछ को ये रस्सी वगैरह हस्बैंड जी हाथ से ही तोड़ रहे, हम बोले कैंची ला के दिए फिर भी नहीं, हाथ से ही तोड़ के सभी कुछ को निकाल दिए ये रस्सी को। तो अब जो है इसका तोड़ाई होगा फ्रेंड्स, तोड़ तार के हटा देगा इस विंडो को भी, और यहाँ से सीढ़ी बन जाएगा। और जैसे हमारा खाना पीना हो जाता है खा पी के, मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि एक तो काम चालू है, घर की साफ सफाई पूरे धूल मिट्टी से भर गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं ये सब जो है ना साफ करने लगी थी, घर का जो भी हमारा क्लीनिंग है। अभी तो कितना भी साफ करूँगी तो साफ नहीं रहने वाला है, ढलाई का काम चालू रहेगा, गिट्टी सीमेंट का ये सब धूल आते जाते रहेगा, विंडो वगैरह में बैठता रहेगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं दिख रहा था, इसके वजह से हम इसको साफ करने लगे थे। तो डेली रोज का रोज साफ करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा डस्ट नहीं बैठता है, ये कारण के वजह से मैं यहाँ पे साफ करने लगी थी। टेबल वगैरह में पूरे जो है वो दवाल जो तोड़े हुए थे उसका पूरे धूल यहाँ पे बैठ गया था, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह है, सभी अच्छा नहीं दिख रहा था, पूरा मेस ही दिख रहा था। तो इसको भी हमने टेबल पे भी जो भी सामान है सभी को एडजस्ट किया, फिर उसको साफ किया। ये सब करते करते देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बाम्बू प्लांट लगाए हुए है, तो इसको भी पानी भर दिए साफ करके। सभी कुछ को साथ साथ में मैं सजा के रख भी रही हूँ, थोड़ा देर से तो ये फिर से फैलने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, और तृप्ति मेरी भांजी इस तरह से मैं रखती हूँ फिर से उससे उसी तरह से हो जाता है, क्योंकि अभी मेरी भांजी भी इतनी बड़ी नहीं है जो वो समझे कुछ भी चीज़ बोलूँगी, तो जैसा जितना भी होता है मैं सजा के रखने की कोशिश करती हूँ। और ये सब में डस्ट वगैरह जो है ना जल्दी बैठ जाता है लैपटॉप वगैरह में, तो वही सब जो है हम साफ करके रख दे रहे हैं। और अभी देखिए कितना अच्छा ये जो है दिखने लगा है, चूड़ी पे भी पूरे धूल धूल बैठ गया था, तो सारे चूड़ी को भी हमने थोड़ा थोड़ा तो साफ किए, फिर उसके बाद इसको जगह पे ही हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे भी पूरे कोने के साइड में पूरे जो है ना धूल लग रहा था, तो उसको भी हमने साफ किया, और फिर से वहीं पे हम चूड़ी का जो ये है ना स्टैंड वहीं पे हम रख दिए। फिर वो सब हो जाता है, फिर टेबल वगैरह जो भी हमारा
कंधा दिख रहा था, सभी को हम झा रहे हैं, ऐना वगैरह को, विंडो वगैरह को, सभी को हम पोछ के फिर से हम घर को जो है पूरे तरह से क्लीन किए। यहाँ पे हमारा गोदरेज है जो, यहाँ पे भी ये जो है ना बहुत ही ऐसा दिखने लगता है, डस्ट वगैरह जब बैठता है तो वाइट कलर का है, तो इसके लिए इसको भी हम जो है साफ करने लगे थे, और ये सबको भी साथ साथ में ही साफ कर देते हैं। अब ये फर्स्ट बेडरूम का हमारा सफाई चल रहा है, अभी सेकंड बेडरूम का बाकी है फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट समय तक बने रहिएगा। और इसको जो अंदर से डस्ट था उसको हम भी साफ कर दिए, और बाहर से जो लगा हुआ था धूल तो उसको भी हम साफ कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू जो भी साफ सफाई करके नीचे गिर जाता है तो उसको मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी सारा सामान जो है नीचे टेबल के नीचे भी फैला हुआ है, तो इसको मैं ऐसे ही अभी छोड़ दिए है, क्योंकि कितना भी करूँगी बच्चे का घर है तो फैल जाने वाला है, तो मैं सोची कि चलो रहने देते हैं नीचे का, फिर साफ सफाई जो है करके दूसरे सेकेंड बेडरूम में हम जाएंगे, और वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कितना सभी कुछ जो है ना फैल गया है पूरी तरह से। तो जैसे हमारा यहाँ का बेडरूम का साफ सफाई हो जाता है करके, वैसे हम आते हैं बरामदे पे, तो बरामदा पे भी आपको देखने को मिलेगा ये गला का कैनवास वगैरह, जो पेपर वगैरह आते हैं कपड़ा सिलाने के टाइम, सभी कुछ यहाँ पे फैल जाता है। मेरा नोटबुक वगैरह जो भी बच्चे लोग देखे, यहाँ पे हमारा नोटबुक का जो पन्ना होता है वो सब भी फाड़ दिए थे खिल खिल के, सभी कुछ को यहाँ पे एडजस्ट करके रखना पड़ेगा मुझे। और ये सिलाई का काम जो जितना भी मैं करती हूँ ना उतना जो है ना यहाँ पे फैल ही जाता है, और फैलता है ना फ्रेंड्स तो नहीं अच्छा दिखता है, फिर इसको पूरा अरेंज करके रखना होता है, उसमें भी टाइम जाता है। और ये चिंदी वगैरह कटा हुआ जो भी रहता है सबको मैं अभी एक थैली में भरती हूँ, फिर मेरे जो कुशन वगैरह बनाने का रहता है तो मैं बना लेती हूँ यही सब। ये जो है बरांडा पे मैं आ गई हूँ, और फिर जाएंगे हम मशीन वगैरह साफ करने के लिए। पूरे जो काम चालू रहता है तो पूरे घर में पूरा ऐसा अजीब जैसा लगता है कि कैसे हम फिर से उसी तरह से हमारे घर हो जाएगा साफ सफाई, ये मन में लगा रहता है। तो वही तो छोटा छोटा कोशिश में लगी रहती हूँ, फिर भी वैसे ही होने वाला है जब तक हमारा घर का काम चालू नहीं होगा तब तक। तो यहाँ पे मैं बता रही थी फ्रेंड्स कि ये जो है मेरा सेकेंड बेडरूम, और इस पे जो है ये मच्छरदानी मेरी ननंद को गिफ्ट किए हमने, तो ननंद यहाँ पे सोते हैं तो बोले हमारे वाला मच्छरदानी लगा दीजिए तो हम देखेंगे हमारा कैसा है। तो एक दिन के लिए यहाँ पे ननंद का जो है मच्छरदानी लगा दिए थे, उसके बाद यहाँ पे सारा कपड़ा हम बोल रहे थे आप सभी को कि सारा कपड़ा ननंद का बच्चे का जो है मेसी है, तो वही सब हम क्लीन करके बच्चे लोग का जो इतना भी कपड़ा है सभी को हम रखेंगे अच्छे से, वही चीज़ आप लोग को बोल रही थी। तो यहाँ पे मशीन का जो आवाज़ होता है ना कट कट करके आ रहा था वैसा, तो इसके वजह से हम यहाँ पे म्यूट कर दिए। तो ये सबको सभी को डस्ट वगैरह, इस रूम में ज़्यादा ही धूल बैठता है, यहाँ पे देखिए कितना सारा कपड़ा है, तो सभी को अभी फोल्ड करना है, बच्चे का जो गद्दा वगैरह होता है और मेरी ननद का जो भी सिंगार का सामान रहता है सभी को मैं इस डब्बे में भर के रख रही हूँ। और रात सुबह में बच्चे लोग मुरही खाए हुए थे तो यहाँ पे रख दिए थे, तो बच्चे लोग भी साथ साथ में बहुत ही परेशान करते हैं, तो इसके वजह से सभी कुछ इधर से उधर हो जाता है। और यहाँ पे मेरी ननंद का जो भी सलवार वगैरह होता है, जितना भी कपड़ा होता है बच्चे के लेकर ननंद का, सभी कुछ को मैं एक साथ अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि ट्विंस बेबी है मेरी ननंद को, तो उसको संभलता नहीं है ये सब करने के लिए। तो जितना दिन हम लोग के साथ रहेंगे तो उतना दिन हम लोग बहुत अच्छे से केयर करेंगे बेबी का भी और मेरी ननंद का भी। तो यही कारण है कि परिवार में जब सब लोग आते हैं अच्छे भी लगते, खुशी भी होता है, उसके साथ साथ ढेर सारा काम भी बढ़ जाता है,
लेकिन आप अच्छे से मैनेज करके करेंगे, सब कुछ समझ के करेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। और आपकी ननद भी हर ननद जो होता है कोई सब ऐसे गुस्से वाली नहीं होता है कि झगड़ा करते हैं भाभी से, ऐसे नहीं होता है, कोई अच्छे भी होते हैं। तो हम दोनों ननद भाभी का तो बहुत ही अच्छा प्यार है, तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हम लोग एक साथ अच्छे से इंजॉय करते हैं, एक दूसरे का बातें हर चीज़ शेयर करते हैं। तो हम लोग जो है बहुत ही प्यारी सहेली बोलिए, जो भी बोलिए, ननन बोलिए, अच्छे से हम लोग रहते हैं। तो इसके वजह से सभी कुछ को साथ में हम लोग कैरी करते हैं, जो भी चीज़ होता है हम दोनों को, तो वो सब चीज़। तो अभी आए हुए हैं कुछ दिन के लिए, तो सभी कुछ को तो हमको ही देखना है, हमें ही करना है। तो इसके वजह से भी आप लोग के साथ भी हम शेयर कर दिए कि कितना ज़्यादा जो है फ्रेंड्स काम बढ़ गया है, इसके लिए अपलोड नहीं कर पाते हैं। और बेबी लोग के साथ खेलने लगते हैं तो मन भी नहीं होता है कुछ भी करने का। तो ये सब कुछ है साथ में, सब कुछ को अरेंज करके मैंने यहाँ पे इसका जो थैली है ननंद लाए हुए हैं। ये जो बहुत ही अच्छा थैली है, ये नेपाल में मिलता है, मेरे ननंद जब भी जाते हैं ना तो ये थैली तो वहाँ से लाते ही है कि बच्चे लोग को जो है ना कपड़ा कैरी करने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी कुछ को मैंने अरेंज करके रख दिया। तो अभी यही चीज़ कितना प्यारा और कितना अच्छा दिख रहा है। तो वही होता है कि जब आप जब तक सजाएंगे नहीं, मेसी जैसे मेसी आप छोड़ देते हैं तो मेसी ही दिखता है, फिर कोई भी अच्छा नहीं दिखता है। और ये जो है मेरी सासू माँ बनाते हैं, तो ये जो है पैर पोछने के लिए अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी ननद आई है इसलिए। और ये हमारा बेड वगैरह सभी कुछ, बच्चे लोग का कपड़ा जो भी था, मुझे झाड़ झूड़ के मच्छरदानी को, और फिर से हम वहाँ पे और इसको बंद कर दिए, बच्चे लोग का कपड़ा डाल के सब कुछ को बंद कर दिए। पंखा रखे हुए हैं क्योंकि बच्चे को गर्मी लगता है। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए।